Hey everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Khan Family in Japan. And how are you all? I hope you all are good and I'm also good. Alhamdulillah, Allah Ta'ala आप सबके साथ भी खैरियत रखे और हमारे साथ भी, आमीन. तो guys, आज आहिल का बर्थडे है और ऐसा कोई सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि एक्चुअली जितना हम इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे उतना ही बेस्ट होता है. और हम ही ये चीज़ें करेंगे तो फिर बच्चों को भी कैसे खाएंगे, ये तो फिर वही चीज़ सीख जाएंगे ना, केक एक्सेट्रा, जो कि नहीं होना चाहिए. हमारे इस्लाम में ये चीज़ें नहीं हैं. तो गिफ्ट दिलाना और आउटिंग और घूमना मना नहीं है. तो जैसा कि टाइम नहीं था, टाइम शॉर्ट था, आप सब बिजी थे हमेशा की तरह, तो ये है हमारा रेस्टोरेंट हलाल ग्रिल रेस्टोरेंट. तो ये हमारा रेस्टोरेंट है, यहाँ ईरानी भी खाना है और पाकिस्तानी भी है, तो दोनों मिक्स है. तो देखिए यहाँ फ्लैग भी लगे हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के. वजह ये है कि पाकिस्तानी खाना होने का, पाकिस्तानी डिशेस और ईरानी डिशेस का, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी लोग ज़्यादा होते हैं पाकिस्तान के, एंड ईरानी भी काफ़ी होते हैं, तो ये लोग यही प्रेफर करते हैं, बाहर खाना ही बेस्ट समझते हैं. और इनको इतना टाइम भी नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इनका बाहर काम में गुजरता है, तो ये डिनर एक्सेट्रा सब बाहर ही करते हैं. तो देखिए ये सब हमारे रेस्टोरेंट के सामने का एरिया है, बिल्कुल ऑन रोड हमारा रेस्टोरेंट है और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा है और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को कि आज आहिल का बर्थडे है, तो हम लोग रेस्टोरेंट आ गए थे थोड़ा बच्चों के फ़न के लिए, और आहिल अनाया को थोड़ी शॉपिंग करा दी थी, वही सब कपड़े एक्सेट्रा शूज़. फिर इंशाल्लाह अब वीक में एक बार अब सर बंद भी किया करेंगे वेनसडे इंशाल्लाह, तो हम फिर आउटिंग के लिए जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह अच्छी अच्छी व्लॉगिंग करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से. देखिए ये यहाँ पर बाहर चेयर्स पड़ी हुई हैं ताकि अगर किसी को फ़ोन पर बात करनी है किसी को, या कुछ भी अपना पर्सनल काम करना है लाइक स्मोकिंग एक्सेट्रा, क्योंकि अंदर तो ये बैड मैनर्स होते हैं, अंदर करना भी नहीं चाहिए. यहाँ एक स्मोकिंग का अलग रूम होता है जो कि हमारे रेस्टोरेंट में नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इतना बड़ा भी नहीं है जो ये फैसिलिटी अवेलेबल रखे. बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अंदर सब कुछ है, तो ये इसलिए यहाँ पर चेयर्स डाली हुई है. और ये सारा बैक साइड एरिया है, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बोई हुई है, बोई बोना ही बोलते हैं आई थिंक, टमाटर, धनिया एक्सेट्रा. जी बेटे कम, सामने एक मसाज शॉप है वो, और उधर सामने पेट्रोल पंप है. तो चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ से एंट्रेंस है. ये हलाल फूड है, छोटा सा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर अभी, बाकी इंशाल्लाह और बाद में हो जाएंगी. ये एक स्टोर रूम है, ये किचन है, ये नज़ीर भाई है. Thank you.
हमारे शेफ हैं। चलिए बाहर चलते हैं। ये वॉशरूम है लेडीज एंड जेंट्स। ये किड्स चेयर है। ये पूरा हॉल है। सब मेन्यू है। बहुत यमी खाना है माशाल्लाह से। ये नहीं कि ये मेरा रेस्टोरेंट है तो मैं इसकी तारीफ कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ से बाहर का सब व्यू दिख रहा है, बहुत अच्छा लगता है। ये अंदर का हॉल है। ये जैपनीज स्टाइल है। जैपनीज लोग इस तरीके से डिनर और लंच करना पसंद करते हैं नीचे बैठकर। ये शू रैक है। यहाँ अंदर स्लीपर उतार कर जाते हैं तो बाहर ये स्लीपर पहनकर जा सकते हैं। ये एक छोटा सा किड्स पार्क है फॉर किड्स। यहाँ अगर बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, जैसे कि मेरी बेटी भी कर रही है। अनाया, अनु जान, अनु अनु बेबी। तो गाइज़ कैसा लगा आप लोगों को हमारा रेस्टोरेंट, प्लीज़ कमेंट बताइएगा। एंड नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।